गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक नए वीडियो में। और फिलहाल तो मैं अभी हूँ न्यू टाउन में, न्यू टाउन के एक ब्रिज के नीचे। जैसा कि ब्रिज के नीचे ये पार्क बनाया गया है और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सेंट्रल मॉल न्यू टाउन का। वहाँ पर एक न्यू बुलेट बारबेक्यू खुला है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चिकन के डिशेज वगैरह है, तो मैं उसको आज ट्राई करने वाला हूँ। उसका टेस्ट वगैरह क्या है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहे अंत तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल मॉल और काफ़ी अच्छा मॉल है और ठीक उसके पास में ही है बुलेट बारबेक्यू। चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बुलेट बारबेक्यू और ठीक मेरे सामने है बुलेट बारबेक्यू। अब आप देख सकते हैं इसको टोटली मैन्युफैक्चर किया गया बुलेट के ऊपर में। और क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से मैंने ऑर्डर किया है पहला स्मोकी चिकन और फर्स्ट कॉम्बो, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से इसको बनाया जा रहा है और ग्रिल किया जा रहा है। सो भी आप कब से स्टार्ट किया अपने ये बुलेट बारबेक्यू? मेरा स्टार्ट लगता है 4-4.5 महीना हो गया। 4-4.5 महीने से। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये सब आइटम्स वगैरह हैं और ये टोटली तो बुलेट के ऊपर मैन्युफैक्चर किया गया है ना। तो ठीक है मैंने ऑर्डर दे दिया, आप देखते हैं किस तरीके से बने। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पाइसी लग रहा है और मज़ेदार। चिली का मसाला आ जाएगा, गरम चिली का। और तैयार हो चुका हमारा स्मोकी चिप्स। थैंक यू। टाइम आ गया रिव्यू का और आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पाइसी लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी टेस्टी है और जैसे कि मैंने उनको बताया था भैया को ये थोड़ा स्पाइसी बनाइएगा, लाजवाब स्पाइसी। और इसका जो चटनी वगैरह है वो काफ़ी उम्दा टेस्ट है, काफ़ी लाजवाब। अगर आप कहीं से कोलकाता या हावड़ा से देख रहे हो वीडियो को तो मस्ट रिकमेंडेड है सेंट्रल मॉल के पास आकर बुलेट बारबेक्यू को ट्राई कर सकते हैं। तो सो गाइस
जैसा कि मैंने फर्स्ट रिव्यू दिया था वो एक्चुअल में कॉम्बो था और उसका एक पार्ट ये रहा। और इस ड्राइव आप देख सकते हैं जैसा कि सेट के हाथ में है, तो आइए अभी इन दोनों को ट्राई करते हैं। देखने में ये भी काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं और जैसा कि ये ठंडा ना हो जाए उससे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी ऑसम टेस्ट है दूसरी, जैसा कि इसमें अच्छे तरीके से स्पाइसी और इसको ब्लू किया गया है, आप देख सकते हैं जूसीनेस इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से भरा गया है। और मस्ट रिकमेंडेड है आप सभी को, अगर आप सेंटर मॉल के पास में आते हैं न्यू टाउन तो यहाँ पर एक बार आप ट्राई करें। और जैसा कि मैंने ये सारे चीज़ और डिशेज आपको दिखाए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन तीनों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है। सो अब टाइम आ चुका है अक्स एंड सीड्स से रिव्यू लेने का, सो आप दोनों ट्राई करो, बताओ कैसा लग रहा है आप दोनों को। और सीड आपको कैसा लग रहा है स्मोकी? चिकन लवर को तो डेफिनेटली यहाँ आकर विजिट करना, जैसा कि सीड ने बताया चिकन लवर को यहाँ पर आके डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, जैसा कि मैंने जो आइटम्स ट्राई किए उसमें से सारे आइटम्स ऑसम थे, टेस्ट काफ़ी लाजवाब था और उसमें से सबसे बेस्ट आइटम जो था वो था डम स्टिक। मैं आपको मस्ट रिकमेंडेड करना चाहूँगा, अगर आप न्यू टाउन के साइड में आते हैं तो एक बार ट्राई करें बुलेट बारबेक्यू को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट वगैरह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं फ्यूचर में इससे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाकर देता रहूं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। It's not a game, it's a rage game.